अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विगत कई दिनों पहले चर्च के अंदर प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद 55 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। वहीं पुलिस ने अलग अलग नाम पता के आधार कार्ड भी बरामद कर लिए और पुलिस की पूछताछ में मुख्य मास्टरमाइंड पादरी ने धर्म परिवर्तन कराए जाने की कबूल किया है गुना। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। थाना कोतवाली फतेहपुर में करीब 2.5 महीने पहले कुछ लोग भोले भाले और कमज़ोर लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस संबंध में एक थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था और उसकी विवेचना की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार भी किया चुके हैं। एक व्यक्ति आज फिर गिरफ्तार हुआ है और उसको जेल भेजा गया है। अभी इसमें काफ़ी लोगों की संख्या बची है, काफ़ी लोग की जानकारी हो रही है कि वो लोग भी इसमें ऐसा काम किए हैं जो लोगों को बुला करके उनका लालच दे करके उनको उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो इसकी विवेचना में जो भी लोग आ रहे हैं सामने, जो लोग भी जिनके खिलाफ तथ्य मिल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।